बीजेपी सांसद को मिला अखिलेश यादव का साथ। ब्रिजभूषण ने कहा, इस धरने को यादवों का साथ नहीं, पहलवानों के प्रदर्शन के बहाने विपक्षी 2024 निहारे। क्या अखिलेश यादव नहीं है विपक्षियों के साथ? विपक्षी दलों के सामने साल 2024 की चुनौती है, इसीलिए विपक्षी एकता को मजबूत किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दी गई है। नीतीश कुमार ने इसे लेकर यूपी के लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से भी मिलकर विपक्षी एकता पर बातचीत की, क्योंकि मकसद आगामी लोकसभा चुनाव है। इसी बीच विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ किसी भी मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हल्ला बोल रहे पहलवानों को विपक्षी दलों का साथ मिल रहा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ मुखर पहलवानों से अच्छा अवसर विपक्षियों के पास कोई और नहीं। इसीलिए इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार को बैकफुट पर लाना चाहता है। लेकिन इसी बीच चर्चा इस बात की हो रही है कि यूपी में बीजेपी की प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा की तरफ से अभी तक अखिलेश यादव को इस धरने को लेकर कोई बयान क्यों नहीं आया, क्योंकि अखिलेश यादव इस धरने का समर्थन नहीं कर रहे। अखिलेश यादव तो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब सरकार पर हमलावर हुआ जाए। केंद्र से लेकर यूपी के बीजेपी सरकार के खिलाफ अखिलेश हमलावर नजर आते हैं। तो वहीं आखिर दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे? इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान सरकार के खिलाफ धरने पर हैं। पहलवानों ने राजनीतिक पार्टियों से धरने में शामिल होने के लिए कहा, तो तमाम राजनीतिक दल सरकार के खिलाफ तैयार होकर इस प्रदर्शन में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पहुंचने लगे, और जो पहुंच नहीं पाए वो ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तक इस प्रदर्शन के समर्थन में नजर आई। अरविंद केजरीवाल तो खुद धरना स्थल पर पहुंच गए, लेकिन क्या मकसद पहलवानों का समर्थन ही है, या फिर धरने के बहाने विपक्षी दल साल 2024 का रास्ता आसान बनाना चाहते हैं? आरोप कितने सच हैं या झूठे हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, लेकिन राजनीतिक दल इस धरने को लेकर क्यों सक्रिय हैं ये सवाल सभी उठा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या पहलवान भी राजनीति का शिकार हो रहे? क्या ये पूरा धरना अब राजनीतिक भेंट चढ़ता जा रहा? बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह पर पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। साथ ही सात महिला पहलवानों ने इसे लेकर शिकायत भी की है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि बीजेपी सांसद पर FIR दर्ज कर ली जाएगी। इसके बाद भी कई विपक्षी पार्टियों ने इसे पहलवानों की जीत और बीजेपी सरकार की हार बताते हुए पहलवानों के साथ खड़े रहने का वादा किया, लेकिन इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इस बात पर बीजेपी सांसद ने तस्वीर साफ की कि आखिर क्यों सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब तक इस मामले पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। दरअसल बीजेपी सांसद के बयान से लग रहा है कि अखिलेश यादव बीजेपी सांसद के पक्ष में है। यौन शोषण के आरोपों से घिरे ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा, सपा नेता अखिलेश यादव जानते हैं कि सच क्या है, वो सच के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव मुझे बचपन से जानते हैं और ज़्यादातर पहलवान यूपी के अंदर यादव समाज से ही आते हैं, जो समाजवादी विचारधारा से जुड़ाव रखते हैं। अगर यूपी में 10,000 बच्चे पहलवानी करते हैं तो उसमें करीब 7 से 8 हज़ार ऐसे हैं जो समाजवादी परिवार से आते हैं, और उन सबको पता है कि हमारे नेताजी कैसे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर यह कहा कि अखिलेश यादव उनके समर्थन में हैं और शायद इसीलिए अभी तक इस पूरे धरने को लेकर उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ना ही अखिलेश यादव पहलवानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, ना ही वो ट्वीट करते नजर आए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव उनसे वाकिफ हैं और अखिलेश जानते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि ये सब कांग्रेस की चाल है और इसके पीछे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है, जबकि कांग्रेस के लोकल नेता भी बीजेपी सांसद के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। शुक्रवार को इस मामले में फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं पहलवानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो धरना नहीं बंद करेंगे। इतना ही नहीं, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने धरने पर बैठे पहलवानों के सभी आरोपों को सिरे से खारिज भी किया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि ये मुहिम जो सरकार के खिलाफ छेड़ी जा रही है इसमें पहलवान मोहरे बने हुए हैं। ऐसे में सभी की नजरें शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि सुप्रीम अदालत क्या कुछ कहती है।